मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मोहला मानपुर दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं। सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं जिसकी कहीं पर भी जांच नहीं की जा रही है। इन बक्सों में पैसा भी हो सकता है। सीआरपीएफ के वाहनों की भी जाँच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान में लेकर जांच करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में देर रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गला घोटकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या के बाद शव को नरपल्ली एवं गलगम के बीच सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं सीएम भूपेश बोले, नक्सलियों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो हर समय विरोध करते हैं, पर्चे भी फेंकते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती की जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इसमें पहले चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े बक्से उतरे, साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ कितनी टुकड़ियां हैं, और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं, हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं कर सकते लोग? ये किसी स्तर पे जा सकते भारतीय जनता पार्टी के सत्ता प्राप्ति के लिए, वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, वैसे हमारे पार्टी को से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही, क्योंकि सरकारी है, निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चीकिंग होती है, सबकी चीकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? और अभी जितने वाहन जा रहे हैं, जहां जहां वो बट रहे हैं, तो सबकी चीकिंग होनी चाहिए।